अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम। चिकन स्टीम के लिए हमें चाहिए तकरीबन एक तसले में मैंने पानी लिया है, आधा तसला मैंने उसमें कर लिया, और इसमें अब मैं आधा कप जो है ना वो डाल रही हूँ इसका सिरके का, वाइट सिरके का। इसको हमने चिकन को पहले अच्छी तरह इसको धोया है, इसको अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद अब हमने इसमें जो है ना वो आधे तसले में पानी लेके, आधा कप इसमें सिरका लेके, अब इसमें चार पीस है मेरे पास जिनको मैं अब इस पानी में भिगो दूँगी। इनको हमने तकरीबन अच्छी तरह जो है ना इनको पानी में भिगो देना है इन पीसों को, और इनको कम अज़ कम हमने जो है ना वो 15 से 20 मिनट के लिए ना इनको हमने इस पानी में अच्छी तरह भिगोए रहने देना है। जी फ्रेंड्स, ये अब 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम जो चिकन में हमने पानी और सिरके में डाला था उसको हमने अब बाहर निकाल दिया। उसको अब हम खुश्क होने के लिए रख देंगे। कम से कम इसको 5-10 मिनट हम खुश्क होने के लिए रख सकते हैं। आप कोई भी चिकन ले लें, यानी कि मैंने तो सिर्फ लेग पीस लिए हैं ना, आप चाहें तो दूसरी यानी फुल चिकन जो होता है जिसमें गर्दन वगैरह सीने का गोश्त होता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ लेग पीस लिए हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं चिकन को, ठीक है। तो अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसको अब हमने हल्का सा जो है ना वो नमक भी लगा देना है, क्योंकि अब हमने इसको फ्राई करना है तो इसलिए हमने इसको हल्का सा नमक भी लगा दिया है। आधा चम्मच अभी हमने लगा दिया, और बाकी हम जो इसके मसाले में है ना उसमें डालेंगे बाकी नमक। जी फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें कम से कम हम एक कप जितना ऑयल लेंगे। इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करना है। तो उसके लिए हमने एक प्याली जो है ना या एक कप बड़ा मग ले लें आप, उतना ऑयल लिया हमने। चिकन जो है वो हमारा खुश्क हो चुका है, हमने इसको यानी कि सिरके वाले पानी से निकाल के थोड़ी देर टोकरी में रखा था कि ये खुश्क हो जाए, और अब हम इसको जो है ना इसमें डाल रहे हैं इसमें कढ़ाई में। बिल्कुल इसको हल्का फ्राई करना है आपने, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हल्का इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इस पर मसाला लगाएंगे। ज़रा फ्राई करने से इसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का फ्राई करना आपने, इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने, इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखेंगे बिल्कुल हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आया है इसको। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसी तरह हम अपने दूसरे पीसेस जो हैं हम उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको अब हम फ्राई कर लिए, हम दूसरे पीसों को भी फ्राई करेंगे इसी तरह जैसे हमने उस पीस को फ्राई किया था। देखें फ्रेंड्स, हमने इन चारों पीसों को जो है ना वो अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम इस पे मसाला लगाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का इनको फ्राई करना है, और मैंने इसमें बीच में कट भी लगाए हैं ताकि अच्छी तरह जो मसाला है ना वो इसमें मिक्स हो सके। तो अब हम इसके मसाले को बनाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि एक प्याली जो है हमने दही लेना है। इसको हमने अच्छी तरह जो है ना इसको फेंट लिया था। दही लेने के बाद अब हमने जो इसमें मसाले जाने हैं हमने वो लेने हैं। मसालों में हमने नमक है 1/2 टीस्पून हमने पहले डाला था, 1/2 टीस्पून अब है। साबुत गरम मसाला है, चिकन टिक्का जो है वो चिकन है यानी कि वो कढ़ाई मसाला है, थोड़ा सा जर्दा रंग है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, और चिकन टिक्का मसाला है। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो ये चिकन कढ़ाई मसाला और चिकन टिक्का मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे जो है ना इसका बाजार जैसा टेस्ट आता है, शादियों वाला जो स्टीम होता है उस तरह का टेस्ट आता है। अब हम इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे दही में। ये सब डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं वैसे इसमें लेमन जूस भी डालती हूँ, लेकिन अब जो है मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों के गले जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं,
इस वजह से मैं आज इसमें लेमन जूस जो है वो नहीं डाल रही। अब 2 चम्मच जो है ना वो बढ़ के हमने टेबलस्पून के डालने हैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने इसको फ्रेश लिया है, मैंने इसको फिर ग्राइंड किया है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको यानी इसमें वो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश लिया है। इस मसाले को अब हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको एक जान बनाना है हमने। जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए आपने इसको ऐसे हलाते रहना। अब हमने इस मिक्स जो हमने इसका मसाला बनाया है, अब हमने उसमें एक चिकन का पीस डालना अच्छी तरह इसको मसाला लग जाए। इसके ये जो हमने इसके कट लगाया था उनके कट में यानी अच्छी तरह जो है वो मसाला चला जाए। इसी तरह हमने जो है ना इन चारों पीसों को मसाला लगा लेना है। और इन चारों पीसों को मसाला लगा के कम से कम हमने इसको 2 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना, ताकि इसमें अच्छी तरह जो है मसाला जो है ना वो इसमें जो है वो चला जाए। आपकी मर्जी है, आप अगर चाहें तो 2 घंटों से ज़्यादा भी इसका जो है ना वो मसाला रख सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम इसको मिलेगा ये उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा, उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको जल्दी है तो हद ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको 2 घंटे जो है ना आपने इसको ये टाइम देना है, ताकि इसमें अच्छी तरह जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। अब हमने भी इस तरह इसको मसाला लगा के हमने इसको एक बॉल में रख दिया है। तकरीबन हमें जल्दी है इसलिए हम इसको कम से कम 2 घंटे रखेंगे। हम 2 घंटे रखेंगे, आपकी मर्जी है, आप इसको जितनी देर चाहें इसको रख सकते हैं। अभी हमने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा हुआ है जी। अब हमने एक बड़ा सा तसला लेना है बेस का, उसमें हमने 2 जग भर के पानी पे डालने हैं। ये मैंने एक डाल दिया है, ये अब हम दूसरा डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमने 2 जग पानी के डाल लिए हैं। अब हमने इसमें साबुत गरम मसाला डालना है, जिसमें जीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और लौंग है। ये सारा कुछ जो है ना हमने इसमें डाल देना पानी में। पानी में उसको डालने के बाद अब हमने एक बड़ा सा स्टैंड लेना है, उसको रख देना है इसमें। अब हम एक बड़ी सी वो छाननी लेंगे, उसको स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम इस तरह। रखेंगे एक बटर पेपर, आपकी मर्जी है, आप इस पे अखबार भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो है इस पे बटर पेपर रखेंगे। अच्छा जी, अब हमने अच्छे से ये बटर पेपर जो है वो लगा दिया है। अब जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं। अब हम इसको आराम से इसको साइडों पे यानी कि इसको आराम से रख देंगे इस तरह। मैंने 4 पीसेस लिए थे, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है अपने हिसाब से, यानी कि यह डबल मसाला जाएगा इसमें। ये देखें, हमने 4 पीसेस को रख दिया। अब जो हमारा मसाला बचा हुआ था वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए, इसका अच्छा सा जायका आए। सारा मसाला हमने ऊपर डाल देना है इसके। उसके बाद हमने नीचे से आग जो है ना फ्लेम तेज़ कर देना। हमने फ्लेम तेज़ कर दिया, अब हमने इसके ऊपर एक और बटर पेपर जो है ना वो रख देना है। इसलिए रखना है क्योंकि हमने जब इसके ऊपर ढक्कन देना है तो उसका जो पानी है वो हमारे चिकन पे ना पड़े। आप अपने बटर पेपर पे छोटे छोटे से सुराख कर लें, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह जो है वो गल जाए, पक जाए। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन दे देंगे इस तरह, और 5 मिनट हम जो है ना तेज़ आग पे इसको रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम लोग इसको मीडियम आग पे रखेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट जो है ना हमने इसको तेज़ आग पे रखना है। चलें जी, 5 मिनट के बाद हमने इसकी आग जो है ना वो हल्की कर देनी है, तकरीबन इतनी कर देनी है।
और इस आग पे कम से कम आप लोगों ने इसको 45 से 50 मिनट जो है ना पकाना है, अच्छी तरह जो चिकन जो है ना वो पक जाए। अब ये 45 मिनट जो है ना हो गए हैं, तो अब हम इसको खोलते हैं, संभाल के अपने हाथ को, क्योंकि इसकी भाप जो है ना वो आपके हाथों में ना पड़े, इसलिए आप इसको आराम से जो है ना इसको उतारें ढक्कन को। जी माशाल्लाह से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। हम इसके ऊपर से ये बटर पेपर उतार देते हैं। जी देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है ये, बिल्कुल फुल गल गया है ये, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। जी ये देखिए हम इसको अब निकालने लगे हैं। जी ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल गल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह हम एक और नई रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।